आवारा श्वानों के आतंक से 7 महीने की बच्चे की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आग बबूला हो गई। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए उमा भारती ने कहा कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूं। कलेक्टर को फोन लगाओ, मेरी बात कराओ। देखिए खास रिपोर्ट। ये गुस्सा है बीजेपी के फायर ब्रांड पूर्व सीएम उमा भारती का। भोपाल में 7 महीने के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। इस घटना के बाद उमा भारती जब बच्चे के माता पिता से मुलाकात करने पहुंची तो परिजनों की पीड़ा देखकर भावुक हो गई। वहीं सिस्टम की लापरवाही पर आग बबूला हो गई। तो आना नहीं हो पाया, तो मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल। आज ही तो आई हूँ, मैं शताब्दी से उतरी हूँ, तो मेरे को मन ना लगे बिल्कुल। मुझे आपकी याद आ गई, मुझे माँ बाप से मिलना है इस बच्चे को। तो मैंने अपने, मुझे अभी भी बुखार है क्योंकि अयोध्या में भी ठंड बहुत थी ना, तो बुखार उतरा ही नहीं थे। तो अब भोपाल आ गई हूँ ना, तो अब शायद ठीक होगा धीरे धीरे। तो मैंने तो कहा कि अगर मैंने उस बच्चे को नहीं देखा तो देखो बुखार और बढ़ जाएगा, मतलब उस परिवार को नहीं देखा। मुझे तो इसी हालत में लेके गई, इसलिए आ गई। उस दिन ये लग रहा था कि ज्यादा बुखार बढ़ जाएगा ना, तो पुष्पक को बैठ नहीं पाऊंगी ट्रेन में। फिर रामलला को देख के आई हूँ, राम राज्य की बात हो रही है और आपका कष्ट देख कर के दुख हो रहा है। आपके साथ तो बहुत, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। 9 महीने कोर्ट में रखा ना, तो माँ का कष्ट तो माँ ही समझेगी। रो मत माँ, आप तो बहुत रो रही हो। क्या नाम है इनका? हम भी इतने तड़प रहे उसी दिन से, जिस दिन से मैंने सुना कि 7 महीने के बच्चे को कुत्तों ने खा लिया। मेरे को इतना बुरा लगा कि पूरी सृष्टि का संहार कर दूं या खुद का संहार करूं या क्या करूं, मतलब इतना कष्ट है मेरे मन में, मेरी आत्मा में। आप इसी से समझो ना, तो मैं शताब्दी से उतरी, घर आई, तबियत थोड़ी खराब थी, तो डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया। मैंने कहा मेरी तबियत ठीक होगी ही नहीं जब तक मैं बिल्कुल यहाँ नहीं जाऊंगी। तो बहुत ही बुरा हुआ है, मैं बहुत ही बुरा हुआ। बताओ, एक तरफ दुनिया में लोग हैं जो, अभी जब कोरोना काल आया था तो कई लोगों के कुत्तों को हवाई जहाज से ले जाया गया था, आप लोग पता है जी। कई लोगों के पालतू कुत्तों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। जब कोरोना में उन्होंने जगह बदली, लोगों ने, अमीर लोगों ने, बम्बई से कहीं और गए वो जी, तो उनके कुत्ते भी हवाई जहाज में गए। और एक तरफ कुत्तों ने इसके बच्चे को खा लिया, आप लोग जानते हो क्या हुआ है। बच्चे की माँ उमा भारती से मिलते ही रोने लगी। उमा भारती बोली, मैं भी उतनी ही तड़प रही हूँ जितना कि आप तड़प रही हो। इसे मैंने सुना कि 1-7 माह के बच्चे को कुत्तों ने खा लिया। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पूरी सृष्टि का संहार कर दूं या खुद का। उमा ने गुस्से में कहा, कलेक्टर को लगाओ फोन, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बात करूंगी। अब मिनाल वालों को भी देखेंगे, मिनाल जो एरिया है उसके मैनेजमेंट के लोग होंगे, उनसे बात हुई थी। बिल्कुल मैडम, किसी से बात नहीं हुई, किसी ने चर्चा चलाई है। वो थाना कौन सा था? अच्छा, जो हनुमान जी के सामने जो थाना है वही है। पूछो उनसे, बात करो नगर निगम से। नहीं, आपको मजदूरी नहीं करना। मैं मोहन यादव जी से बात करती हूँ क्योंकि आप अभी मजदूरी की स्थिति में नहीं है।
देखिए बच्चे के बदले में आपको कुछ मिलेगा, उससे आपको शांति नहीं मिलने वाली। चाहे आपको हीरे मोती भी मिल जाएंगे तो इसकी आत्मा तो तड़प रही है ना, इसकी कोख में से निकला है बच्चा, ठीक है। लेकिन आप अभी जीवन यापन करने की स्थिति में नहीं है, अपने अभी आप काम करने की स्थिति में नहीं है। इस दुख में ये माँ मजदूरी करेगी क्या? आप मजदूरी करोगे क्या? नहीं नहीं, मेरी बात कराओ जरा, ठीक से बात कराओ जरा। यहाँ कलेक्टर कौन है? कौशलेंद्र विक्रम से मेरी बात कराओ, लगाओ नंबर है उसका मेरे यहाँ पे। दूसरे बच्चे कहाँ है माँ आपकी? बुलाओ ये, आप माफ करो, मैं उसी दिन नहीं आ पाई, मैं तो उसी दिन आना चाहती हूँ। मेरे फोन में है इनको भी, जितेंद्र मेरे फोन में उसका नंबर है, कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कलेक्टर का नंबर है मेरे फोन में। जी दो रुपए की भी अपने मजदूरी नहीं, मैं आपको अभी मजदूरी नहीं करना है, हम व्यवस्था आपकी देखे लेते हैं। मोहन जी से बहुत, अपने मुख्यमंत्री जी से भी मैं कल बात करूंगी सवेरे या आज रात को ही जाकर के बात करूंगी। और आपको, क्योंकि आप इस हालत में कैसे मजदूरी करोगे जिसके बच्चे को कुत्ते खा गए हो, और मिनाल वालों को भी देखेंगे। उमा भारती का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल की इस घटना ने हर किसी को आक्रोश से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।